बिग चुनावी मैजिक कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, इस एपिसोड में मंत्रा किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं? ए चाय पानी पार्टी, बी दल बदलू पार्टी या सी सुपारी पार्टी। जवाब देने के लिए टाइप कीजिए BM स्पेस ए बी या सी और भेज दीजिए 55454 पर और जीतो शानदार टैब्स। बच्चों की जोक सभा ने तो हमें ये सिखा दिया कि जैसा वह बड़ों को करते हुए देखते हैं बिल्कुल वैसा ही सीखते हैं। ये एक्ट वैसे हमें काफी कुछ सिखा गया है। इसे कहते हैं छोटा मुंह और बड़ी बात। तो टीम्स, आई एम श्योर आपको भी ये एक्ट बहुत पसंद आया होगा। यहाँ पे हमारा बैलेट बॉक्स रखा है, अपने स्कोर्स देकर उस पर मोहर लगा के स्कोर्स बैलेट बॉक्स में डाल दीजिए। थैंक यू टीम्स। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले एक्ट की तरफ। चूरन को वोट दो, चूरन को वोट दो, चूरन चूरन चूरन। बैठ जाइए बहने, बैठ जाइए। महीम महीम महीम, मेरी बात सुनो। देखो मॉम मेरा चूरन बना देगी, तू मॉम से पूछे बिना इलेक्शन में कैसे खड़ी हो सकती हो? जय अम्बे, मैं महीम और मैं सागर। महीम सागर आपका स्वागत करते हैं। आप सब ये सोच रहे होंगे ना, महीम आज एकदम शान शान चुप चुप क्यों है? क्योंकि मेरी सासू माँ यहाँ पर नहीं है ना, वरना तो उनके साथ मेरी नोक जोक चप्पड़ चप्पड़ तू तो मैं में चालू ही रहता है। और जैसा कि आप जानते हैं, हमारे देश में आज एक ही तमाशा चल रहा है, क्या? इलेक्शंस। इसलिए मैंने सोचा है कि मैं भी एक अच्छे से नेता का कैरेक्टर प्ले करूं। तो मही के सर पे जो नेता का भूत सवार है ना, उसको निकालने की कोशिश सागर करने वाला है। तो देखते हैं सागर इस कोशिश में कामयाब होता है या नाकामयाब। नो नेता। बढ़ती हुई महंगाई पे सरकार ने कहा कि वो महंगाई पे लगाम लगाएगी। लगाम, अगर महंगाई की जगह सरकार अपनी जुबान पे लगाम लगा दे तो इस देश का जरूर कुछ भला हो जाएगा। मही चाय लाओ। दल बदलू दल के नेता ने कहा कि अगर हम सत्ता में आए तो हिंदुस्तान को जापान बना देंगे। जापान? तब तो हम सबकी आंखें ऐसी हो जाएंगी। नहीं नहीं, आंखें बड़ी और खुली होनी चाहिए। भगवान ये सत्ता में कभी ना आए। वाह, नासा के वैज्ञानिकों ने चांद पे पानी मिलने की पुष्टि की। अब बताइए, धरती पर इतना सारा पानी है लेकिन उसकी चिंता कोई नहीं करता। देखना, एक दिन ये चांद वाले धरती पर पानी होने की पुष्टि जरूर करेंगे। अरे यार मही चाय लाओ, कितना सोती हो? हद है यार। अब थोड़े पारिवारिक न्यूज भी हो जाए। सुबह सुबह बार बार चाय मांगने पर पत्नी ने पति पर जानलेवा हमला किया। सुबह सुबह बार बार चाय मांगने पर पत्नी ने पति पर जानलेवा हमला किया। जानू, हाँ जानू, तुम आराम से सो, चाय की कोई जरूरत नहीं है, मैं बाद में खुद बना लूंगा। जिंदा रहे तो चाय पियेंगे। बस बस बस, बहुत हुई तबाही, अब आ गई है मही, जिसने भी घूस खाई बैंड बजा देगी उसकी मही। बहनों मित्रों, आप सबकी प्यारी मही आपके लिए इस बार चुनाव में खड़ी होने वाली है। शुक्रिया 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 मही, ये तुमने क्या हुलिया बना रखा है? हाँ समझ गया, मही पे वो इलेक्शन वाला दौरा पड़ा है। लेकिन मही डरो मत, अभी तुम्हारा पति जिंदा है, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। रुकिए सागर जी, वो नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि वो भी इस बार इलेक्शन में खड़े हैं ना। क्या बात कर रही हो? हाँ हाँ, आजकल इलेक्शन फैशन में है। आपको पता नहीं है, इस बार हर घर से कोई ना कोई खड़ा है। मैं तो कहती हूँ आप भी खड़े हो जाइए, चलो चलो लाइन में लग जाओ। इलेक्शन में, बट मही इसमें हमारा फायदा क्या होगा? हाय सागर जी, अरे बहुत फायदा होता है। आपको पता है सारे न्यूज चैनल वाले ना हमारे आगे पीछे गोल गोल घूमेंगे, हम सारा दिन टीवी पे चमकेंगे, फेमस हो जाएंगे। बट मही, तुम्हें तो राजनीति के बारे में कुछ भी नहीं मालूम है। जाओ जाओ सागर जी, मुझे बहुत कुछ पता है राजनीति के बारे में। अरे उसमें ना अर्जुन रामपाल थे, अपने रणवीर भाई था, कैटरीना कैफ थी, और वो फिल्म ना प्रकाश झा ने डायरेक्ट की थी। अरे मेरी फिल्मी बीवी, मैं पॉलिटिक्स की बात कर रहा हूँ। पॉलिटिक्स मही, पॉलिटिक्स बच्चों का खेल नहीं है, बहुत अकल चाहिए उसके लिए। ओहो सागर जी, एक मिनट, पॉलिटिक्स बच्चों का खेल ही है? आपको पता नहीं है, हम लोग बचपन में क्लासरूम में कैसे धमाल मचा देते, शोर मचा देते, डिशम डिशम।
दीदी बैठ जाइए। लेकिन फिर भी हम नहीं बैठते थे। बस वैसे संसद में भी ऐसा ही सब चलता है। ऐसा ही होता है। चलो मैंने मान लिया कि तुम चुनाव में खड़ी हो रही हो, लेकिन वही तुम किस पार्टी में जाओगी? अरे सागर जी, मैं तो बड़ी बड़ी पार्टीज में जाऊंगी, जैसे कि पूत पार्टी, यो यो बॉलीवुड पार्टी, यो 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 पेज थ्री पार्टी। हाय ओ मेरी पेज थ्री। मैं उस पार्टीज की बात नहीं कर रहा हूँ। पार्टी मतलब दल, राजनीतिक दल। अच्छा वैसा वाला? हाँ। तो वो तो मैंने अभी तक सोचा नहीं सागर जी। जो भी अच्छा होगा ना उसमें धड़ाम से घुसाऊंगी। सुनिए, ये तो ऐसा सोच रही है कि मानो सारी पार्टीज हाथ में टिकट लिए खड़ी हैं कि मही जी आइए और हमें जिताइए। सागर जी एक मिनट, मेरे पास टिकटों की कमी नहीं है। अरे कल ही मुझे दो टिकट मिलने वाली थी। अरे वो बेवजह पार्टी के जो लीडर है ना, वो कल आए थे मेरे पास और मुझे कह रहे थे मही जी मेरे पास कल शाम के शो की दो टिकट है, चलोगी मेरे साथ फिल्म देखने? नहीं, तुम मेरे पीठ पीछे बेवजह पार्टी के लीडर के साथ फिल्म देखने गई थी? हाँ सागर जी। ना 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 पापा, अम्मे मां माफ करे। नहीं अम्मे बता, सागर जी आप तो जानते हो ना मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ, पराए मर्द के साथ मैं फिल्म देखने थोड़ी जाऊंगी। थैंक्स मही, मेरी जान वापस है। इसीलिए सागर जी हम लोग फिर गार्डन में चले गए। क्या उनकी जनसभा थी ना सागर जी? जनसभा? तो वहां ना मैंने सबके सामने मस्त भाषण दिया। भाई तुमने भाषण दिया? भाई तुमने भाषण में क्या कहा, मुझे भी तो बताओ। कुछ नहीं सागर जी, भाषण की पर्ची ना मेरे जेब में पड़ी थी तो मैंने निकाल के उनको ऐसे दे दी, सिंपल। चलो भाई मैंने ये भी मान लिया कि कोई पार्टी तुम्हें टिकट दे देगी, लेकिन आप जानती हैं चुनाव में मुद्दे की जरूरत होती है। तुम्हारा मुद्दा क्या होगा? मेरा मुद्दा सागर जी महिलाओं के हित में होगा। महिलाओं पर बढ़ते हुए अत्याचारों के खिलाफ जोर से आवाज उठाऊंगी। शुक्रिया बहनों, शुक्रिया। बैठ जाइए। मही धन्य हो, मही देवी धन्य हो। हो गया इस देश का बंटा धा। ना किसी का बाप ना किसी का बेटा, ये है आपके इलाके के दबंग नेता पिंकी पांडे। हमारा नेता कैसा हो? पिंकी पांडे जैसा हो। आपका नेता कैसा हो? पिंकी पांडे जैसा हो। नमस्ते 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 गेंडा स्वामी जी। इलेक्शन का दौर चल रहा है, हमारी जनता को हमारी जरूरत है। जाइए जाइए और दो चार पोल बूथ लूट के आइए। क्या? घूम के आइए। इसको यही रख दीजिए। नमस्ते 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 नमस्ते। आप सोच रहे होंगे अचानक से आपके घर में ये कौन घुसाया है ना। मैं अपना परिचय दे देता हूँ। भले ही कितनी ऊंची हो जेल की दीवार, हम है उसको फांदे। जिसने हमसे लिया पंगा, पड़े हैं उसको डांडे। इसलिए आप भी जरा गौर से सुनिए, सांडे हो या मांडे, अपना वोट दीजिए टू पिंकी पांडे। नमस्ते 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 नमस्ते। क्या भाई साहब, आप मर्द होके ऐसे औरतों वाले नाम रखते हैं, पिंकी, आपको शर्म नहीं आती? ये भी कोई नाम है पिंकी? अरे मर्द होकर भी मर्द औरतों पर अपनी मर्दानगी दिखाते हैं, उनको तो शर्म नहीं आती। अरे हम तो फिर भी अपने नाम में एक महिला का नाम जोड़कर उनको समाज के ऊंचे दर्जे तक पहुंचाना चाहते हैं। पिंकी पांडे। वाह वाह चिंतो रे। पिंकी भाई अपनी ये औरतों वाला नाम क्यों रखा है? ए छोटा पैकेट छोटा धमाका। अरे क्या है ना कि मैं नेताओं का आमिर खान हूँ। मैं औरतों के हित के लिए कुछ करना चाहता हूँ। हाँ तो पिंकी खान आपने औरतों के लिए कुछ किया? हाँ किया ना। क्या किया? शादी की। हा? शादी करने के बाद से औरतों के हित के लिए काम कर रहा हूँ। कपड़े धोना, बर्तन धोना, सुबह सुबह बीवी को बेटी देना, बच्चों को स्कूल तक छोड़ने जाना, औरतों के हित के लिए। तो आजा। पिंकी खान वो मेरी बीवी है। भावनाओं को समझो, कंट्रोल नहीं होता कभी कभी। पिंकी मैन भाई, भाई यहाँ क्यों आया, हमसे क्या चाहते हो? वोट दे। मैं आपकी सेवा करूंगा, मैं आपकी भी आपकी सेवा करूंगा, प्लीज वोट दो। एक मिनट पिंकी भाई, मैं एक बात क्लियर कर देना चाहती हूँ। बोलिए। पगार में आपको 500 से ज्यादा एक रुपया नहीं मिलेगा। 500 पगार किस चीज के लिए? ले आप
हमारे घर में झाड़ू पोछा लगाओगे तो सीने काम नहीं करवाएगी ना पिंकी बहन, हम आपको 500 रुपए दे देंगे। इलायची के लो, देखो इलायची मत बोलो, देखो जो भी हो। अरे मैं नेता हूँ, घर घर जाके सफाई नहीं करता। एक बार वोट दे कर देखिए, पूरे देश की सफाई। और मीडिया वाले भी कहते रह जाएंगे किसने की सफाई, इसने इसने इसने। इस बार हम तुम्हें वोट नहीं दे सकते। क्यों क्यों? क्योंकि इस बार मही भी चुनाव में खड़ी है रे। आप लेकिन कौन देगा आपको टिकट, कौन देगा इसको टिकट, कौन देगा? एक्सक्यूज मी भाई, वो जो आपका दल है ना, हाँ? दल बदलू, हाँ? तो उन्हीं के लीडर मुझे टिकट देने वाले हैं। पर उन्होंने तो मुझे कहा था कि वो मुझे टिकट देने वाले हैं। ना भाई ना, देखो मेरे साथ मुझे मिलेगा टिकट, मुझे मिलेगा टिकट, मुझे किसका फोन है यार? मेरे काम का है। ये जो आपका दल है ना, हाँ? दल बदलू, हाँ? तो इन्हीं के लीडर ने मुझे टिकट दे दी है। अरे फिर मेरा क्या होगा? एक मिनट भाई, हाँ? मैं आपको बताती हूँ, आप एक काम करो, हाँ? मस्त आराम से घर जाओ, धीरे धीरे धीरे, हाँ? एकदम आराम से साइड में चलते चलते, ओके? खाना पीना खाओ घर में और सो जाओ। सो जाऊं? सो जाऊं। अरे अगर मैं सो जाऊंगा तो इस देश को कौन जगाएगा? अरे मैं उस किस्म का नेता हूँ, जहां भी पहुंच जाऊं वहां का मामला सलटे। अरे मौका मिले ना मिले, देखता ही पलटे। ये देखिए दोस्तों, ये हमारी नई पार्टी है, मनचाही पार्टी। तेल के चुनाव चिन्ह पर अपना मोहर लगाइए, नीचे मतदान दीजिए, हमें नेता बनाइए। नमस्ते। नहीं बहनों बहनों, सुनो सुनो, चूरन को वोट दीजिए। तेल को, चूरन को बहनों, तेल को, चूरन को। अरे इनको दीजा है, ऐसे कैसे दीजा है? देखा आपने, आज कोई नेता देश को चूरन दे रहा है तो कोई तेल लगा रहा है। लेकिन मित्रों, अब की बार ना हमें चूरन लेना है ना देश को तेल लगने देना है, इसलिए वोट दीजिए। बंद आंखों से देखे हुए सपनों को आंखें खोलकर सही प्रत्याशी चुनिए और उसे वोट दीजिए। जय हिंद। यहाँ पर जनता अपना पेट काट कर दी रही है और आपको बर्थडे केक काट दी बढ़िया। हाँ तो क्या, ये क्या बात है? मैं बर्थडे पार्टी की बात नहीं कर रही हूँ, किटी पार्टी की बात कर रही हूँ। क्या पहन के जाओगी? मेरी मानो तो जरी वाली साड़ी पहन ली। बिग चुनावी मैजिक कॉन्टेस्ट में आज का सवाल है, इस एपिसोड में मंत्रा किस पॉलिटिकल पार्टी से हैं? ए चाय पानी पार्टी, बी दल बदलू पार्टी या सी सुपारी पार्टी? जवाब देने के लिए टाइप कीजिए BM स्पेस ABC और भेज दीजिए 55454 पर और जीतो शानदार टैब्स।